Hey my YouTube family, I hope you guys are doing well. Welcome back to my channel. मैं हूँ बलविंदर कौर, आपकी host and दोस्त. Guys, इस वक्त मैं खड़ी हूँ डिलाइट टाटा के शोरूम में, जो कि जनकपुरी वेस्ट दिल्ली में सिचुएटेड है. So guys, अगर आप यहाँ पर मेरा रेफरेंस लेकर आते हो तो यहाँ पर आपको बेस्ट डील मिल जाएगी. तो आई एम बैक विथ अनदर वीडियो और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ टाटा पंच एडवेंचर ऑटोमेटिक वेरियंट का. तो चलिए शुरू करते हैं एंड देखते हैं क्या खास है इसमें. ये है आपकी टाटा पंच, जो चार वेरिएंट्स के साथ आती है, प्योर एडवेंचर एकम्प्लिस्ट एंड क्रिएटिव. जिस वेरिएंट का आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ ये है आपका सेकेंड बेस मॉडल, जिसको कि हम टाटा पंच एडवेंचर के नाम से जानते हैं, और जिसका मैं रिव्यू कर रही हूँ ये आपका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ अवेलेबल है. तो अगर आप भी 7 से 8 लाख के बीच में माइक्रो SUV खरीदना चाहते हो जिसमें आपको एसेंशियल सारे फीचर्स मिल जाए और सेफ्टी रेटिंग भी आपको 5 की मिल जाए, तो आपके लिए ये मॉडल बेस्ट चॉइस होने वाली है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके रिव्यू के साथ. सबसे पहले इसके फ्रंट फेशिया को देखेंगे. तो ये है कार की फ्रंट लुक, अच्छी लग रही है. अब इसके एलिमेंट्स को देखते हैं 1x1. तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ब्लैक पियानो फिनिश में ग्रिल देखने को मिल जाएगी, और उसके साथ सेंटर में यहाँ पर आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाएगा, जो कि क्रोम फिनिश में दिया गया है. उसके साथ यहाँ पर आपको ट्राई कटआउट देखने को मिल जाएगा, इसके पीछे आपकी हॉर्न की प्लेसमेंट करी गई है. नीचे की तरफ आऊं तो ये है आपकी ग्रिल की लुक, जो कि ट्राई एरो पैटर्न में दी गई है ब्लैक मैट कलर के साथ, अच्छी लग रही है. उसके साथ अगर मैं नीचे की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको फॉग लैम्प नहीं प्रोवाइड कराया गया, लेकिन अगर आप चाहो तो आप आफ्टर मार्केट इसको लगवा सकते हो. यहाँ अगर आऊं तो यहाँ पर आपको हैलोजन हेडलैम्प भी देखने को मिल जाएगा, और उसके साथ यहाँ पर आपको पार्किंग लाइट प्रोवाइड कराई गई है, जो कि हैलोजन में प्रोवाइड कराई गई है, और उसके साथ यहाँ पर आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी. ऊपर आपको वाइपर्स दिए गए हैं. तो ये है इसकी फ्रंट लुक अलॉन्ग विद द साइड लुक. अब देख लेते हैं इसके साइड प्रोफाइल को. तो ये भी आपकी बहुत ही एलिगेंट लग रही है. अगर मैं इसके एलिमेंट्स की बात करूं तो सबसे पहले ORVM को कवर करते हैं. तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर्ड ORVM ही देखने को मिल जाएंगे. इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है लेकिन फोल्डेबल नहीं है. यहाँ पर आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट करी गई है. डोर हैंडल्स भी आपको बॉडी कलर्ड ही देखने को मिल जाएंगे. ऊपर आपको रूफ माउंटेड एंटीना की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी. अगर मैं इसके टायर्स को दिखाऊं तो यहाँ पर आपको जो टायर्स दिए गए हैं वो 15 इंचेस के दिए गए हैं. अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड प्रोफाइल की बात करूँ तो वो है 185/17R15, और ये सीएट के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं. यहाँ पर आपको स्टील रिम ही देखने को मिलेगा, और उसके ऊपर आपको अच्छे स्टाइलिश व्हील कवर्स प्रोवाइड करा दिए गए हैं. फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन दिया गया है, और रियर में आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और उसके साथ यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में बहुत ही थिक क्लैडिंग दी गई है, जो कि इसके लुक को और स्मार्ट बना रही है. अगर मैं इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो वो है 187 mm. तो ये थी इसकी साइड प्रोफाइल. अब देख लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल को. ये है टाटा पंच की रियर लुक, बहुत ही स्मार्ट लग रही है. अब देखते हैं इसके एलिमेंट्स को. तो सबसे पहले यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक कैप देखने को मिल जाएगी, जिसकी कैपेसिटी है 37 लीटर, और उसके साथ यहाँ पर आपको हैलोजन में ट्राई एरो पैटर्न में टेल लाइट प्रोवाइड कराई गई है, और उसके साथ यहाँ पर आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी. यहाँ पर आपको वोकल फॉर लोकल की बैजिंग देखने को मिल जाएगी. यहाँ पर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प की प्लेसमेंट करी गई है. यहाँ पर आपको राइनो इम्बोस दिख जाएगा. यहाँ पर आपको टाटा का लोगो क्रोम फिनिश के साथ प्रोवाइड कराया गया है, और उसके नीचे आपको पंच की बैजिंग देखने को मिल जाएगी. यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, और साथ में आपको ट्राई एरो पैटर्न प्रोवाइड कराया गया है. यहाँ पर आपको रिवर्स लैम्प प्रोवाइड कराई गई है, और इस कार में आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिल जाएंगे, विच इज गुड फ्रॉम सेफ्टी पर्सपेक्टिव. राइट हैंड साइड भी आपको रिफ्लेक्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, और उसके साथ यहाँ पर नीचे आपको 2 लैम्प्स प्रोवाइड करा दी गई हैं नंबर प्लेटिंग के लिए. तो चलिए खोलते हैं इसके बूट को और चेक करते हैं इसकी बूट स्पेस को. तो ये है टाटा पंच की बूट. अगर मैं इसकी कैपेसिटी की बात करूँ तो वो है 366 लीटर. यहाँ पर आपको पार्शल ट्रे की प्लेसमेंट भी देखने को मिल जाएगी, साथ में यहाँ पर आपको टूल किट प्रोवाइड कराई गई है, और उसके साथ यहाँ पर आपको लगेज लैंप की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी एक हुक के साथ, और एक हुक की प्लेसमेंट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी. इसकी लोडिंग कैपेसिटी है 1 kg. नीचे यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी. तो ये थी इसकी रियर प्रोफाइल. अब हमने देख लिया इसके एक्सटीरियर को, अब देखते हैं इसके इंटीरियर को. स्टार्ट करते हैं ड्राइवर साइड गेट के साथ. तो खोलते हैं इसको, तो यहाँ पर आपको डुअल कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगी. ब्लैक एंड ग्रेश कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पर यूज किया गया है. यहाँ पर ब्लैक पियानो फिनिश में आपको डोर हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे, और उसके साथ
यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस दी गई है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, विंडो कंट्रोल का ऑप्शन एंड ORVM का ऑप्शन यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया है। नीचे की तरफ आऊं तो यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर, मैप पॉकेट की स्पेस देखने को मिल जाएगी और साथ में यहाँ पर आपको अम्ब्रेला होल्डर का भी ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है। अगर मैं इस कार की बात करूँ तो इसमें आपको टोटल 4 स्पीकर्स प्रोवाइड कराए गए हैं और यहाँ पर आपको टोटल हार्ड मटेरियल ही देखने को मिल जाएगा। ये है इसकी ड्राइवर साइड सीट, तो यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं दिया गया है, ओनली रिक्लाइनिंग एंड स्लाइडेबल फंक्शन यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर अभी की हैंग्ड है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। एक तो आपको मैनुअल की देखने को मिल जाएगी, एक स्मार्ट की प्रोवाइड कराई गई है, यहाँ पर टाटा का लोगो देखने को मिल जाएगा और उसके साथ लॉक अनलॉक एंड फॉलो मी होम लैम्प का ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है। इधर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको ड्राइव मोड का ऑप्शन दिया गया है, तो दो ड्राइव मोड्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ यहाँ पर आपको AC वेंट की प्लेसमेंट करी गई है, ब्लैक पियानो फिनिश सराउंडिंग में देखने को मिल जाएगा। नीचे यहाँ पर आपको स्पेस दी गई है थोड़ी सी, उसके साथ यहाँ पर आपको बोनट ओपन करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। नीचे यहाँ पर आपको दो पैडल्स देखने को मिल जाएंगे और उसके साथ यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक कैप ओपन करने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है। तो ये है इसका डैशबोर्ड, तो चलिए अंदर चलते हैं एंड एक्सप्लेन करते हैं इसको। स्टार्ट करते हैं इसके अपहॉल्स्ट्री के साथ, तो यहाँ पर आपको फेब्रिक की अपहॉल्स्ट्री देखने को मिल जाएगी ट्राई एरो पैटर्न के साथ, कंफर्टेबल लग रही है। और उसके साथ यहाँ पर जो दो हेडरेस्ट प्रोवाइड कराए गए हैं ये आपको एडजस्टेबली देखने को मिल जाएंगे। इधर की तरफ आपको AC वेंट की प्लेसमेंट करी गई है। ये है इसकी डैशबोर्ड की लुक, सारा आपको हार्ड मटेरियल ही देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ब्लैक कलर का यूज किया गया है, कुछ ग्रेइश ट्राई एरो पैटर्न का टेक्सचर फिनिशिंग यहाँ पर दी गई है। और उसके साथ अगर मैं नीचे की तरफ आऊँ तो ये है इसका ग्लोव बॉक्स, इतनी कैपेसिटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। सेंटर की तरफ आओ तो यहाँ पर आपको 2 DIN ऑडियो सिस्टम प्रोवाइड कराया गया है अलॉन्ग विथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। 2 AC वेंट की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, सेंटर में हजार्ड का बटन दिया गया है। नीचे की तरफ आओ तो यहाँ पर आपको मैनुअल AC ही देखने को मिल जाएगा और उसके टॉगल स्विचेस दिए गए हैं। उसके नीचे आऊँ तो यहाँ पर आपको एक USB पोर्ट देखने को मिल जाएगी और उसके साथ यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी देखने को मिल जाएगा। नीचे आपको थोड़ी सी स्पेस दी गई है तो फोन वगैरह आप यहाँ पर प्लेस कर सकते हो। उसके साथ यहाँ पर आपको मोड्स दिए गए हैं और यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स देखने को मिल जाएगा। उसके साथ यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस देखने को मिल जाएगी, यहाँ 2 कप होल्डर की स्पेस दी गई है। ये है इसकी हैंड ब्रेक। इधर की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा फ्लैट बॉटम शेप के साथ, सेंटर में टाटा का लोगो दिया गया है और लेफ्ट हैंड साइड आपको इंफोटेनमेंट कंट्रोल एंड कॉलिंग कंट्रोल का फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ राइट हैंड साइड आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराया गया है। यहाँ पर आपको वाइपर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और उसके साथ यहाँ पर आपको हेडलैम्प का ऑप्शन प्रोवाइड कराया गया है। सेंटर में यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, तो लेफ्ट हैंड साइड आपको RPM मीटर प्रोवाइड कराया गया है। सेंटर में MID का ऑप्शन दिया गया है, उसमें सारी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको रिवील हो जाएगी और उसके साथ राइट हैंड साइड आपको स्पीडोमीटर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ऊपर आपको सनवाइजर देखने को मिल जाएगा टिकट होल्डर के साथ, सेंटर में यहाँ पर आपको रीडिंग लैम्प दी गई है और उसके साथ यहाँ पर आपको माइक की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको डे नाइट रियर व्यू मिरर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी और उसके साथ यहाँ पर आपको एक सनवाइजर एंड वैनिटी मिरर की प्लेसमेंट दी गई है। सेफ्टी पर्सपेक्टिव से इस कार की मैं बात करूँ तो इसमें आपको डुअल एयरबैग्स देखने को मिल जाएंगे। एक चीज मैं यहाँ पर आपको और बता दूँ, ये जो स्टीयरिंग व्हील है इसमें आपको टिल्ट फंक्शन देखने को मिल जाएगा लेकिन टेलीस्कोपिक अवेलेबल नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके हेडरूम की, तो जो मेरी हाइट है वो एक एवरेज हाइट है, उस हिसाब से आपको इतना बफर देखने को मिल जाएगा विच इज रियली वेरी गुड। चलिए अब देख लेते हैं इसके रियर केबिन को, तो खोलते हैं गेट को तो यहाँ पर आपको सी पिलर पे डोर हैंडल देखने को मिल जाएगा। तो अगर मैं इसके सिस्टम की बात करूँ तो सेम आगे वाला सिस्टम ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको विंडो कंट्रोल ऑप्शन दिया गया है, नीचे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। इस गाड़ी में आपको ट्विटर नहीं प्रोवाइड कराया गया है, तो अगर आप चाहो तो आप ट्विटर की प्लेसमेंट कर सकते हो आफ्टर मार्केट। तो ये है पीछे की रियर सीट्स की लुक, तो चलिए अंदर चलते हैं और बताते हैं इसके कम्फर्ट को। रियर में आपको 3 लोगों की बैठने की कैपेसिटी प्रोवाइड कराई गई है और दो जो हेडरेस्ट दिए गए हैं वो आपको इंटीग्रेटेड ही देखने को मिल जाएंगे। साथ में आपको 3-पॉइंट सीट बेल्ट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा और उसके साथ यहाँ पर आपको चाइल्ड सीट एंकरेज का ऑप्शन भी प्रोवाइड करा दिया गया है। यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा, एक आपको को ड्राइवर साइड दिया गया है, एक आपको राइट हैंड साइड देखने को मिल जाएगा। पीछे यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, कोई रियर में AC वेंट नहीं दिया गया है, तो टाटा पंच की किसी भी गाड़ी में ये नहीं प्रोवाइड कराया गया है।
अगर मैं इसके बैक सीट पॉकेट की बात करूं तो यहां पर अवेलेबल नहीं कराई गई है। इधर की तरफ आऊं तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर मैं इसके नी रूम या लेग स्पेस की बात करूं तो मैंने आगे वाली सीट पूरी पीछे कर रखी है, तो उस हिसाब से आपको इतना बफर देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसके अंडर थाई सपोर्ट की बात करूं तो वो भी ये कंफर्ट ड्राइव कर रही है बैठकर। तो ये है इसकी कंप्लीट डैशबोर्ड की लुक, विच इज लुकिंग वेरी नाइस। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी सेफ्टी की। तो अगर मैं इसके ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट रेटिंग की बात करूं तो इसने 5 out of 5 की रेटिंग स्कोर करी है। इसके अलावा इसमें आपको ABS, आइसोफिक्स, चाइल्ड सीट एंकरेज जैसे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। तो यहाँ पर आपको 1199 सीसी का इंजन प्रोवाइड कराया गया है। इसका इंजन 3 सिलेंडर 1.2 लीटर रेवोल्टन पेट्रोल इंजन है, जो कि 87 BHP की पावर एंड 115 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। ये आपका 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूँ तो वो है 20.09 KMPL, जो कि कंपनी क्लेम कर रही है। ये आपका 5-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ आता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो अगर मैं इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो वो है अराउंड 7.5 lakh rupees, और अगर मैं इसके ऑन रोड प्राइस की बात करूं तो आपको कॉस्ट करेगी 8,44,000 rupees दिल्ली में। सो गाइज, आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। आई विल सी यू सून विद माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।